बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली तमाम रेसिपीज़ को प्यार दिया है, इसी तरह हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस नई काविश को भी बहुत सराहेंगे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्रिस्पी फिश फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आए शुरू करते हैं। फ़िश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 kg फ़िश ली है। कोई सी भी फ़िश ले लें आप, और इसको हमने इस तरह पीसेस में कर लिया है। सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे, उसमें हम लेंगे 1 tablespoon साबुत धनिया, 1 teaspoon साबुत ज़ीरा, काला ज़ीरा भी ले सकते हैं और सफ़ेद भी, और 1/2 tablespoon लेंगे अजवाइन। इन तीनों को हम भून लेंगे खुश्क पैन में डालकर, और फिर इसे कूट लेंगे। ज़ीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, इसको हम पैन में इस तरह से भून लेंगे और फिर इसे कूट लेंगे। फ़िश का मसाला तैयार करने के लिए, जो मैरिनेट करके रखेंगे फ़िश को, उसके लिए सबसे पहले 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 2 tablespoon नींबू का लेमन का रस लेंगे। अब ये जो हमने मसाला तैयार किया भून के, अजवाइन का, अजवाइन ज़ीरा और धनिया, वो इसमें डालेंगे। और ये मैंने लिया है, सबसे पहले सॉल्ट है टेस्ट के मुताबिक, या 1/2 tablespoon, ये है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, 1/2 teaspoon, और ये लेंगे 1/2 teaspoon काली मिर्च, ये मैंने लिया है चाट मसाला, ये है तकरीबन 1 tablespoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, और ये हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 tablespoon, और ये है कलर, कोई सा भी फूड कलर ले लें आप, वो इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा फ़िश का, तो ये भी 1/2 teaspoon लिया है। ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच पानी शामिल कर देंगे। देखिए अच्छा सा मसाला मिक्स हो के तैयार हो जाए। अब इसमें लेंगे फिश को, हम कोट कर लेंगे, हमने फिश के पीसेस लिए, इस तरह तमाम फिश को हम कोट करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे। इसको आप रखें, और अगर टाइम कम हो तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। इस तरह हम तमाम फिश को कोट करके रख देंगे। अब इसका बैटर तैयार करेंगे, जिसमें हम इसको डिप करके फ्राई करेंगे। तो वो बैटर तैयार करने के लिए मैदा लेंगे 1/2 प्याली, इसके अलावा चावल का आटा, ये मैंने चावल को पीस लिया है, बारीक आटा बन गया है। अगर ये ना हो तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ये हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। 1 tablespoon ले लें, और ये लिया है 1/2 tablespoon नमक,
1 टेबलस्पून लेंगे आप सोया सॉस और इसमें पानी डालेंगे आधा प्याला और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। क्रिस्पी फिश फ्राई करने के लिए अब हमने जो मैरिनेट करके फिश रखी है उसको हम इस बैटर में कोट करेंगे। और फिर इसको हम सादे मैदे में, ये मैदा लिया है हमने, उसमें एक दफा इस तरह कोट कर लेंगे। और फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें फिश को इस तरह पलट लिया हमने, दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएगी। और ये देखें सारे मसाला इसके अंदर ही है, बाहर नहीं आया है, अच्छी सी कोटिंग हुई थी इसलिए। ऑयल बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है और मसाला फिश के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारी क्रिस्पी फिश फ्राई तैयार है। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बहुत यमी बनी है, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर बना के देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये फ़िश पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।